तो आज के इस 5 मिनट वाले सेशन के अंदर हम बनाएंगे एक ट्रैप बीट, जो आप मेरे व्लॉग्स वगैरह में आगे भी देखोगे, पीछे चलती रहेगी ये बीट, ठीक है। तो मैं आपको क्विकली बताऊंगा कि मैं किस तरीके से बीट बनाता हूँ, क्या मेरा प्रोसीजर होता है। सबसे पहले स्केल ले लेना होता है, एफ माइनर हमने स्केल ले रखा है, ठीक है। जो आपको मर्जी है, जो आपको समझ में आए वो आप स्केल ले सकते हो। वैसे 5 मिनट नहीं लगते हैं, ज़्यादा लगता है एक पूरा गाना बनाने में, लेकिन आप इस तरह के, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप इस तरह का जो बीट है वो 5 मिनट के अंदर अंदर अच्छी खासी बना सकते हो, मतलब जो अच्छी खासी लेंथ की बना सकते हो प्रॉपर अरेंज करने के बाद। तो बातें नहीं करते, शुरू करते हैं। F minor scale के अंदर कुछ इस तरीके का मैंने chords progressions को लेकर के melody भी इसमें play, जो जो आप देख रहे हो chord के साथ है, तो ये इस तरीके से कुछ चल रहे हैं। ये pluck है, ठीक है। ये जो pluck sound है, मैं play करके दिखाऊं, तो ये pluck कुछ इस तरह का sound है, ठीक है। pluck sound को लेकर के हमने ये एक सस्टेन कोड नीचे चल रही है, इसके ऊपर हमने इस तरीके से कुछ ही नोट डिजाइन कर रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, हमने नेक्स्ट क्या डाल रखा है, एक 808 डाल रखा है। तो 808 को स्केल के अकॉर्डिंग लेना है, एफ माइनर में 808 ले लिया और कुछ एडजस्टमेंट हमने इसके अंदर कर रखी है। जो जब 808 हम लगाते हैं तो उसके ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हो। फिलहाल मैंने इसमें सिंगल डाल रखा, तो मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं की हुई है। और उसके अलावा एक्स्ट्रा साउंड हमने इसमें डाल रखा है, मैं प्ले करके सुनाता हूँ। किक अरेंज कर रखा है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो, थोड़ा जूम करके दिखाऊं, आप चाहो तो पैटर्न के अंदर भी डाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने इसमें हाई हैट जो है ड्रॉप कर रखी है इस तरीके से कुछ, ये जो आपको समझ में आया वैसे आप कर सकते हो। अब मैं सुनाता हूं अभी तक क्या बना लिया हमने, तो इस तरह कुछ बन गया। अभी भी इसमें कमी लग रही है काफी सारी चीजों की, तो हम कुछ स्नेयर या कुछ उससे मिलती जुलती चीजें, मल्टीपल हाई हैट्स मैं यूज करता हूँ मोस्टली अपने गानों के अंदर, जो थोड़ा सा अच्छा वेरिएशन मिल जाता है उस चीज से, तो भी सुनने में ओके ओके लग रही है। लेकिन कुछ अभी स्नेयर की कमी इसमें खल रही है, स्नेयर या क्लैप आप लोग डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने फिलहाल इसमें ये जो है डाल रखी है स्नेयर, जो कुछ इस तरीके से है, ये तो स्नेयर आपको देखने में आएगी, यहाँ पे स्नेयर चल रही है नीचे और ये ऊपर हाई चल रही है। अब एक साउंड इसमें हम टेक्सचर के लिए ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट होने वाली है कंटिन्यूअस, तो कुछ ऐसा टेक्सचरल साउंड इसमें हमें लेना है जो मतलब 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट अगर रिपीट करते रहें, सुनते रहें पीछे, तो ऐसा बोरिंग सा नहीं लगे, ठीक है। तो ये जो साउंड है, तो ये साउंड क्या है मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये जो साउंड है कुछ इस तरीके का साउंड है, ठीक है। ये साउंड को मैंने रिवर्स कर रखा है, ये इस तरह का साउंड है, इसको रिवर्स करके और थोड़ी बहुत रिवर्व लगा रखी है इसके ऊपर, वो सब आप देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। एंड अनदर टेक्सचर वाला साउंड मैंने, ये सिंगल साउंड है सिंथ का। तो आप इस तरह की कुछ बीट अपने रैप सॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी तो 3:30 हुए, अगर मैं इसको बनाता भी तो मुझे 10 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ये 5 मिनट तो सिर्फ कहने की होती है, ताकि 5 मिनट बोल के आप लोग सोचते हो करके वाह 5 मिनट में, अभी जल्दी किस बात की, आराम से बनाओ ना, आधा घंटा लो, 1 घंटा लो, 5 मिनट वाला काम नहीं करना चाहिए हमें, आराम से काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है। इस बीट को मैंने कुछ इस तरीके से इसलिए डिज़ाइन करा किक वगैरह, क्योंकि मुझे इसको अपने व्लॉग्स वगैरह जितने भी आप स्टूडियो की वीडियोस देखने वाले हो उसमें पीछे चलाना था, और एक दो मैं और आगे भी बनाऊंगा तो मैं उनके भी आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे बनाया। अगर कोई आपको डाउट है, थोड़ा सा ही हाई हैट का आप देख सकते हो, ये तो ये कुछ मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर रखी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ वैसे, जब भी आप कोई बीट वगैरह बनाओ तो मेट्रोनोम ऑन करके आइडिया आपको लगता रहेगा, जैसे कि अगर आप ये प्लक आपने डिज़ाइन कर लिया ऑलरेडी तो अपना मेट्रोनोम ऑन रखें, ताकि आपको आगे आइडियाज़ आएंगे, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडियाज़ देगा, क्योंकि आप सुनते हो गाने तो आपको हेल्प होती है स्टोर करने में आइडियाज़ को। जैसे आप बीट बनाते हो तो वो आइडियाज़ निकलते हैं, तो निकालने के लिए आपको थोड़ी एक रिदम का सेंस ज़रूरी है। तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से इस पर लेयर कर देंगे,
और आगे आप चाहो तो इसको कितना भी बड़ा कर सकते हो, आगे 10 मिनट की बना सकते हो, 50 मिनट की, 1 घंटे की और 2-3 दिन की भी आप इसको बना सकते हो। लेकिन देखिए भी 5 मिनट से कम समय में हमने ये बीट तैयार कर दिया, और अगर मैं बनाता, अगर कैमरा पकड़ के मुझे बोलना नहीं होता तो मैं इसको 5 से 10 मिनट में बना देता इस सिंपल सी बीट को, और इसको बनाने में मुझे इतना ही लगभग टाइम लगा था, ठीक है। हाँ, तो अब मैं कोई क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह के बीट प्रोडक्शन वगैरह सीखना है तो आप मेरा बेसिक म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कर दी ना मैंने सेलिंग वाली बात, वो आपके ऊपर है टोटल, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एंड चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ऐसे छोटे मोटे वीडियोस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियोस भी आएंगे भाई, तो टेंशन मत लो प्रॉपर तरीके से। अभी ऑडियो नहीं आ रही थी स्क्रीन में तो मैं अभी डायरेक्ट वीडियो डाल रहा हूँ। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर ये वीडियो हेल्पफुल हुई है तो कमेंट करके बताओ, और कोई भी आगे टॉपिक का आइडिया जो भी आप चाहते हो कि आगे आपको मुझसे चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट में ड्रॉप कर दो, ठीक है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और अच्छे से बनाऊंगा वीडियो। बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं चैनल पे। मेरा ऑफिशियल चैनल वन एंड ओनली आदित्य आप चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगी, कहीं कहीं मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच वन एंड ओनली आदित्य, बाय बाय। और हाँ, बीट 5 मिनट में ना बनाने की सोचे, आराम से वक्त दें, शुरू में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ये आइडियाज़ चलते रहते हैं तो जल्दी हो जाता है काम, और ये कोई बहुत भयंकर बीट नहीं है, ऐसी बीट तो कोई भी 5 मिनट में बना सकता है।